हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लाइट कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 8 चैप्टर 1 वीडियो 3. सो इन द लास्ट टू वीडियोस और इन द लास्ट टू क्लासेस वी लर्न्ड अबाउट एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप्स. In the month they are seeds and then in the month they are harvested. What are the requirements? What are the examples? And then we also learned about the activities required to perform the cultivation or agriculture practices. So here the first practice is prepare the soil. Another practice is sowing the seeds. Third practice is adding manure and fertilizer. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. So we learned detail about preparing the soil. What are the different kind of equipment used? And then we learned about sowing the seeds and how to identify the healthy seeds. Now we'll come to our third topic, which is adding manure and fertilizers. The substance which are added to soil in the form of nutrition for a healthy growth of plants are called as a manure or fertilizers. वो पदार्थ जिनको हम अपनी मिट्टी में अच्छे क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए मिलाते हैं और जिनमें पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी के लिए होते हैं. इस पोषक तत्व से क्या होगा, हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा और वो अच्छी तरह ग्रो होंगे. द सब्सटेंस विच आई एडेड इन टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर or fertilizers. It is important to add manure fertilizers to the soil because in some places the soil has less nutrition for the crops because the farmers growth crops after crops in some field. तो कुछ खेतों में क्या होता है कि किसान एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं. इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो कम होता रहता है, क्योंकि एक प्लांट ग्रो होगा उससे वो जो भी फसल उगेगी उससे वो फसल उस मिट्टी से सारा न्यूट्रिशन ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी होगी. तो अभी हमें दूसरी जो क्रॉप उगानी है या दूसरी फसल जो उगानी है उसमें हमें उतना न्यूट्रिशन सॉइल से नहीं मिल पाएगा जितना हमें रिक्वायर्ड है. उससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, हमारे प्लांट्स हेल्दी नहीं रहेंगे, हमारे प्लांट्स ज़्यादा बड़े ग्रो नहीं हो पाएंगे. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड मैन्योरिंग. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम अपना फर्टिलाइजर्स और मैन्योर सॉइल में डालते हैं वो उस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं. If the manuring is not done on the time, results seen on the weak plants. अगर हम टाइम से अपने सॉइल को नरिशमेंट नहीं देंगे या उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो हमारे प्लांट्स वीक ग्रो होते हैं. हिंदी में फर्टिलाइजर्स को हम खाद भी बोलते हैं. तो अभी विल प्रोसीड फर्दर फॉर मैन्योर. मैन्योर इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. To make manure, decomposition of plants and animal waste is done by the farmers. तो manure क्या होता है, ये natural fertilizer होता है. जैसे हम बोलते हैं खाद, खाद में किसान क्या करता है कि किसान जो animal waste होता है या plant का waste होता है उसको सड़ाते हैं, उसको गलाते हैं. वो जो हम एक गड्ढा खोदते हैं, सारा waste material उसमें डाल देते हैं, गड्ढा बंद कर देते हैं और फिर हम उसको 3 या 4 महीने बाद खोल के उसको यूज़ करते हैं, तो वो जो 3 महीने में वो जो मटेरियल सड़ जाता है उसको वो एक फर्टिलाइजर बन जाता है. और दैट इज नेचुरल फर्टिलाइजर, क्योंकि हमने नेचुरली उसको प्रोड्यूस किया है. द
The product of this decomposition is material rich in organic matter, which are called manure. Manure does not have high content of nutrition. Instead, they have fertility of the soil by adding humus. Humus is an organic component of the soil. तो सॉइल का एक ह्यूमस एक सॉइल का एक कंपोनेंट होता है. तो ये जो खाद्य पदार्थ बनता है जो नेचुरली डिकम्पोजिशन से हम जो बनाते हैं, हम जो सड़ा के पेड़ों को सड़ा के ये जो हम फर्टिलाइजर मैन्यूअर बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन में रिच नहीं होता है. जैसे इसमें बाकी जो सॉइल को न्यूट्रिशन चाहिए, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, यूरिया है, वो सब चीज़ें नहीं होती, पर इसमें ह्यूमस होता है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉइल. तो दैट इज ऑल्सो गुड. दिस इम्प्रूव्स द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी विद अ बेटर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड मोर इरिगेशन. तो इससे क्या होता है, मॉइस्चर जो हमारी मिट्टी है वो मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन कर सकती है, वो थोड़ी सी गीली रहती है, वो हेल्दी रहती है. आप देखोगे एक सूखी मिट्टी रहती है, एकदम सूखी सूखी मिट्टी रहती है, और एक कैसे रहता है, एक गीली मिट्टी रहती है जो बहुत ही हेल्दी दिखती है ना, हम वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देखने से ही. तो अगर हम उसमें मैन्यूअर डालते रहते हैं तो वो हमारी मिट्टी हेल्दी रहती है और प्लांट्स के लिए भी अच्छा रहता है. एंड सिंस द मैन्यूअर इज मेड इंटायरली ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मटेरियल्स, जो प्लांट वेस्ट रहता है, जो एनिमल वेस्ट रहता है, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं. ऑर्गेनिक मतलब जो प्योर नेचर से बने हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियली कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं. सिंस मैन्यूअर इज मेड इंटायरली ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन. इससे हमारा पोल्यूशन नहीं होता है. इनफैक्ट इट रिड्यूसेस द वेस्ट ऑफ द फार्म बाय डीकम्पोजिशन वेस्ट मटेरियल्स टू मेक मैन्यूअर. सो दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज इसमें हमारा जितना भी प्लांट वेस्ट मटेरियल है या एनिमल वेस्ट मटेरियल है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है, और इससे हमारा बाकी का पोल्यूशन है या गंदगी है वो कम होती है. नाउ कमिंग टू फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स. तो फर्टिलाइजर्स नेचुरली भी हो नेचुरल भी बना सकते हैं, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल या हम सिंथेटिक या फैक्ट्री में नहीं बनता, वो हम नेचुरली अपने खेतों में ही बनाते हैं उसको, या घर पे बनाते हैं विद नेचुरल कंपोनेंट्स. सिंथेटिक मटेरियल्स दैट वी एड टू सॉइल टू प्रोड्यूस द प्लांट्स विद द नेचर दे नीड, द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर NPK fertilizers. These are rich in nitrogen, phosphorus, potassium, urea, ammonia, sulfate and calcium, magnesium nitrate. Chemical based fertilizers also act as a insecticides, protects plants from pests and insecticides. So ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर वेरी रिच इन दिस कंपोनेंट्स. दीज कंपोनेंट्स आर यूज टू ग्रो प्लांट्स मोर हेल्दियर, फास्टर एंड यील्ड अ बेटर प्रोडक्शन. तो इन ये जब हमारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी होता है. उससे हमें क्या होगा, जो भी सपोज हम कोई भी भिंडी का प्लांट अगर हम उगा रहे हैं तो हमारी भिंडी हेल्दी होगी, बड़ी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. इससे हमारे फार्मर्स को एक अच्छी यील्ड मिलती है एंड उसमें कीड़े भी कम लगेंगे. तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं टू प्रोटेक्ट प्लांट आर यूज टू हैव अ गुड प्रोडक्शन. सो देट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, दे कैन बी सिंथेटिक ऑल्सो. सिंथेटिक मतलब जो हमारे आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बने हुए हैं. Fertilizers are economically very beneficial to farmers. They speed plant growth. इनसे plant growth बहुत ज़्यादा होता है and are not expensive to produce. Fertilizers also increase yield from farm.
अभी वही मैंने समझाया आपको कि फर्टिलाइजर से हमारा जो यील्ड होता है, यील्ड मतलब जो हमारा हमारा जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है एट एंड, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसको यील्ड बोलते हैं. फॉर फ्रॉम द फार्म द प्लांट्स ऑल्सो हैव सुपीरियर एपरियंस, दैट इज दे आर ग्रीनर एंड हेल्थियर व्हेन वी यूज फर्टिलाइजर्स. तो हम जब फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है, जो यील्ड होता है, वो बहुत हेल्दी दिखने में भी होता है. सपोज अगर हम दो खेत हैं, एक में हम फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं, अच्छे से इरिगेशन नहीं करते, अच्छे से हम उसका सॉइल प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसमें खाद नहीं डालते हैं, सूखी मिट्टी रहती है, उसमें जो हम पेड़ उगाएंगे उसके फ्रूट्स बहुत ही मुरझाए हुए, छोटे और अनहेल्दी दिखते हैं. और वहीं पे अगर हमारा एक दूसरा खेत है जिसमें हम अच्छे से प्लॉइंग करते हैं, अच्छे से पानी डालते हैं, अच्छे से खाद डालते हैं, तो उसके जो प्लांट्स होंगे वो हेल्दी भी होंगे, उसके फ्रूट्स जो होंगे वो बड़े होंगे, शाइनियर होंगे, हेल्दियर होंगे. तो ये डिफरेंस होता है. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन इज अ सिस्टमैटिक प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओवर सेवरल ईयर्स इन द सेम ग्रोइंग स्पेस. नाउ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मतलब हमारा जो खेती हम कर रहे हैं, रोटेशन मतलब हम उसको बदल बदल के खेती करते हैं. जैसे एक साल में हम तीन, एक ही खेत में हम तीन प्लांट्स लगाते हैं या तीन बार खेती करते हैं. तो अभी क्या होगा, वो एक किसान के पास एक ही खेत रहता है या उसके खेत निश्चित रहते हैं कि यही खेतों में वो खेती करेंगे. तो अपने खेतों में जब वो खेती कर रहे होते हैं तो वो जब बार बार प्लांटेशन करते हैं, वीट लगाया, उसके बाद राइस लगाया, तो क्या होता है कि मिट्टी से न्यूट्रिशन जाता रहता है. बट अभी कैसा होता है कि कुछ प्लांट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते हैं और दूसरे प्लांट दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते हैं. तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि सपोज हम क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, हम हर साल या हर टाइम हम वीट ही लगाएंगे, तो एक टाइप का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा और दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन एकदम भी ऑब्जर्व नहीं होगा. तो उससे क्या होगा कि जब हम चौथी या पांचवी बार वीट लगाएंगे तो हमारा वीट का प्रोडक्शन बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे सॉइल में रहेगा ही नहीं. तो इस वजह से क्या होता है कि हमें दूसरे दूसरे प्लांट लगाने चाहिए. इससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी का न्यूट्रिशन है वो भी रोटेट होते रहता है और प्लांट को जो एक्चुअल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो भरपूर मिल जाता है. दिस प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन न्यूट्रिशन इन द सॉइल, जो मैंने आपको बताया, रिड्यूस सॉइल इरेशन. सॉइल इरेशन मीन्स मिट्टी का जो बहाव रहता है, एक ही टाइप का जब हम लगाते रहते हैं तो उसका पानी का रिक्वायरमेंट भी सीमित रहता है कि हमें इतना टाइप का ही पानी चाहिए और इतने डायरेक्शन में चाहिए. तो उससे क्या होता है, मिट्टी हमारी बहने लगती है. बट अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, किसी टाइप ऑफ क्रॉप्स में हमें ज़्यादा पानी चाहिए, किसी में कम चाहिए और किसी में दूसरे न्यूट्रिशन चाहिए. तो उससे क्या होता है, हमारा जो मिट्टी है वो बंधी रहती है, हमारी मिट्टी बहती नहीं है. एंड प्रिवेंट्स प्लांट डिसीज एंड पेस्ट. इससे क्या होता है, इससे ये भी होता है कि हमारे एक टाइप के, जैसे एक टाइप के प्लांट लगाते रहते हैं तो एक टाइप के उसमें डिसीज भी आती रहती हैं, फिर उसमें पेस्ट भी आते रहते हैं. अब दूसरा रोटेट करते हैं तो उससे हमारा जो उसमें कीटनाशक जो पैदा होते हैं वो भी कम होते हैं. तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें हमारा प्लांट्स में डिसीजेस भी कम लगते हैं. देर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रोटेशन शेड्यूल. देर इज नो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब एक ऐसा माध्यम जो पूरे दुनिया में एक ही चलता हो, कि सब लोग एक ही तरह का रोटेशन कर रहे हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर कोई, हर किसान हर एरिया के हिसाब से अपना रोटेशन कर सकता है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह का क्रॉप प्लांटेशन अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है. तो किसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपना मिट्टी के हिसाब से उसका रोटेशन कर सकता है. सो कोई भी एक फिक्स या
ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इसके बाद यही लगना चाहिए. तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट देयर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रोटेशन शेड्यूल एज द टाइप ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और गार्डन डिपेंड्स ऑन द लोकल सॉइल. तो हर लोकल सॉइल अलग होता है, उसका क्लाइमेट अलग होता है, रिसोर्सेज अवेलेबल अलग होते हैं, इस वजह से इसका कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है. द लेंथ ऑफ रोटेशन टाइम बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ. और अब कितने टाइम, जैसे एक वीट हमने लगाया, अब वीट नेक्स्ट वीट हम कब लगाएंगे, इसका भी कोई फिक्स यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि हमें 6 महीने के बाद ही वीट लगाना है, 1 साल के बाद ही वीट लगाना है, 3 महीने के बाद वीट लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है. हर किसान अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने सॉइल टेक्सचर के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है. नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इरीगेशन. इरीगेशन क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ वॉटरिंग द प्लांट्स. तो जब हम खेत जोत लेते हैं, उसमें हम अपने सीड्स डाल देते हैं, तो वो अंकुरित होने के लिए हमें उसमें पानी भी डालना पड़ता है. तो अभी उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड्स फॉर अ पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इफ वी आर डूइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वी नीड वाटर टू ग्रो एंड टू हैव अ बेटर यील्ड. सो द प्रोसेस वेयर we supply water to fields is called as irrigation. Seeds in crop fields germinate only if we get sufficient amount of water. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम एक सीड फील्ड में डाल देते हैं, उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है. अगर हम पानी नहीं सप्लाई करेंगे तो हमारे प्लांट्स मुरझा जाएंगे, क्योंकि हम उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा. तो अभी टू हैव ए बेटर यील्ड एंड टू जर्मिनेट द सीड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी इरिगेट अवर फील्ड्स. मोर ओवर प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट सीड्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पानी सिर्फ स्टार्टिंग में देना होता है, हमें प्रॉपर इंटरवल में प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्रॉप है, हमें पानी की सप्लाई करनी पड़ती है. वाटर इज ऑब्जर्व बाय रूट्स ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द सॉइल. जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो पेड़ होते हैं वो रूट से न्यूट्रिशन लेते हैं या पानी को ऑब्जर्व करते हैं. विद वाटर रूट्स प्लांट ऑल्सो ऑब्जर्व एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन. अगर हम अपने खेतों में पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रूट्स हैं वो जो सॉइल है या मिट्टी है उससे जो एसेंशियल मिनरल्स एक्चुअली उनको रिक्वायर्ड होता है या न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक तत्व उनको सॉइल से चाहिए, वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. ए हेल्दी प्लांट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर. जो एक स्वस्थ पेड़ होता है उसमें 90% या 90% पानी होता है. वाटर ऑल्सो अलाउज पैसेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स ऑफ प्लांट बॉडी. जैसे मैंने पहले ही बताया कि खाली पानी सिर्फ प्लांट्स को रूट से पानी ही नहीं देता है, बट जो न्यूट्रिशन या मिनरल्स ऑब्जर्व होते हैं प्लांट में उसमें भी हेल्प करता है. तो अगर आपने सपोज खेत को जोत दिया, सीड्स को डाल दिया, आपने उसमें खाद भी डाल दी पर आपने उसमें पानी नहीं दिया, तो भी प्लांट्स वो खाद में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो पानी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक क्रॉप प्रोडक्शन का. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम रोस्ट एंड फॉलोइंग हॉट एयर. अभी आपको जैसे पता है कि अभी जैसे जून के महीने में अगर हम कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी लू चलती है, बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है, तो अगर हम पानी नहीं देंगे तो हमारे प्लांट्स एकदम मुरझा या सूख जाएंगे. देयरफॉर हेल्दी प्लांट्स रिक्वायर रेगुलर वाटर. सो वी कैन से दैट सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन. टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ इरीगेशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रॉप
फ्रॉम डिफरेंट सॉइल टाइप एज वेल एज फ्रॉम सीजन्स टू सीजन्स। सो आप कितना पानी दे रहे हो, कितने इंटरवल में पानी दे रहे हो, दैट डिपेंड्स कि आपका क्रॉप कौन से एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी सॉइल टाइप कैसी है, आप कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे वीट में और राइस में। राइस में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है, ग्राउंडनट्स, मेज, कॉटन, पल्सेस, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हॉट वाटर वेदर में प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पानी ज़्यादा लगता है। और वहीं पे जो हमारी प्रोडक्शन सम विंटर्स में होते हैं, जैसे वीट है, बाली है, मस्टर्ड है, पोटैटो है, पीस है, उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि वो सर्दियों में उगते हैं। नाउ मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पहले ज़माने में चलता था और बहुत ही इसमें जो एडवांस इक्विपमेंट्स थे उनकी कम ज़रूरत पड़ती थी। दीज आर मेथड्स ऑफ इरिगेशन दैट वर यूज्ड इन द अर्लियर ईयर्स। इवन टुडे सम स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरिया अडॉप्ट दिस। अगर बहुत छोटे जो किसान होते हैं, जिनके पास छोटे खेत हैं, जिनमें ट्रैक्टर या बड़ा इरिगेशन सिस्टम नहीं लग सकता है या पाइप सिस्टम नहीं लग सकता है, वो अभी भी इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ऑल्दो दे आर चीपर देन द मॉडर्न मेथड्स, दे आर नॉट नेसेसरली नियरली एज एफिशिएंट। अभी क्या होता है कि ये जो ओल्ड मेथड्स हैं, ये ऑब्वियसली ये हम हैंड से करते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स नहीं लगते हैं, इसमें बहुत सारा जो हमारा पाइप सिस्टम है या दूर से स्प्रिंकलर्स हैं वो नहीं लगते, तो ये बहुत ही चीप होते हैं, पर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ह्यूमन एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, एनिमल या ह्यूमन लेबर लगता है। सो वील गो थ्रू सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स विच वर यूज्ड। मोट, चेन पंप, देहकी एंड राहत। अभी इसमें वी विल गो वन बाय वन। मोत में क्या होता है कि मोत आल्सो कॉल्ड एज अ पुली सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स पुलिंग अप वाटर फ्रॉम अ वेल और अदर सच सोर्सेस ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंड। इट इज एन एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबरस इंटेंसिव सिस्टम बट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर इज अवॉइडेड व्हेन यूजिंग अ मोत सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं, इफ यू सी द पिक्चर, हम हमारे खेत के पास वेल होते हैं, वेल मतलब कुआं। तो क्या करता है जो किसान होता है, वो कुएं से पानी लेता है और कुएं से पानी लेने के बाद उसको फील्ड्स में डाल देता है। तो फील्ड्स में हम छोटे छोटे कैनाल बनाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, वो चैनल्स के थ्रू पूरे खेत में पानी चला जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मेथड इज चेन पंप। चेन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय चेन। देयर आर बकेट्स अटैच्ड टू द चेन। अब इसमें क्या होता है कि आप देख पाएंगे कि एक दो पुली होती है और उसमें चेन होता है, उसमें बकेट अटैच रहती है, और वो क्या करता है, एक वन बकेट, देयर आर बकेट अटैच टू द चेन। वन पार्ट ऑफ द चेन डिप इन टू द वाटर सोर्स। नीचे कोई कुआं होता है या एक वाटर सोर्स होगा, तो एक जब वो बकेट नीचे जाएगी तो वो पानी बकेट में आ जाएगा, एंड वन दैट बकेट कम्स अप, क्योंकि चेन गोल गोल घूमेगी, जब व्हील चेन घूमेगी तो उससे व्हील भी घूमती है और वो पानी बकेट पानी लेके ऊपर आ जाता है, एंड जब वो पानी ऊपर आता है तो वो अपने खेत के चैनल्स में उन पानी को डाल देता है और सारे चैनल में पानी चला जाता है। द चेन लेटर लिफ्ट्स देम टू द अपर व्हील वेयर द वाटर गेट्स डिपॉजिटेड इनटू द सोर्स एंड एम्प्टी बकेट गेट्स कैरीड बैक डाउन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। दिल्ली, इन दिस सिस्टम ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल सच ए सिमिलर सोर्स, हेयर वी टाई अ रोप एंड अ बकेट इन अ पोल। तो इसमें क्या होता है, अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो इसमें भी एक कुआं होता है और एक इसमें
एक बड़ा सा वुडन पीस अटैच होता है और यहाँ पे एक बकेट अटैच रहती है। तो अभी इससे क्या होता है कि इन दिस सिस्टम वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सच एज अ सिमिलर सोर्स, ये वेल भी हो सकता है या काइंड ऑफ वेल होता है, वेयर वी टाइप रोप एंड बकेट टू ए पोल। हम एक पोल में एक रोप की मदद से एक बकेट को अटैच कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड वी टाई ए हैवी स्टिक एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट सच एज अ काउंटर बैलेंस। जितनी ही भारी हमारी बकेट होती है उतना काउंटर बैलेंस का हम अपोजिट साइड में एक 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 स्टिक अटैच कर देते हैं एंड देन वी यूज दिस स्टिक और पोल टू ड्रॉ वाटर। नाउ कमिंग टू राहत सिस्टम। राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज एनिमल लेबर। अबव द वेल वी टाई ए लार्ज व्हील। अभी इसमें क्या होता है कि नीचे हमारा एक वेल होता है या वाटर सोर्स होता है और वो वाटर सोर्स के ऊपर एक पुली होती है, पुली के ऊपर छोटे छोटे बकेट अटैच रहते हैं एंड हम एक पोल में एक ऑक्स बफेलो या काऊ को रोटेट करते हैं। जब वो रोटेट करते हैं हमारी पुली मूव होती है और जब पुली मूव होती है तो उसमें जो बकेट अटैच रहते हैं वो पानी भर के हमारे चैनल्स और या फील्ड्स में डाल देते हैं। सो ऑल दिस प्रोसेसेस एक्चुअली आर वेरी ओल्ड सिस्टम। नाउडेज व्हेन यू विल गो इन द फील्ड्स मेनली यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, बट यस इफ यू विल गो इन वेरी रिमोट विलेजेस you might find these kind of irrigation system in the small fields still used. Now coming to the modern methods of irrigation, अभी के ज़माने में हम किन तरह से या किन method से irrigation करते हैं? There are two type of methods. One is drip system, another is sprinklers. Now these are more efficient system of irrigations. They were invented in the recent decades. These help us use water economically without wastage. Let us take a look into these two important methods. So coming first is drip system. तो first para हमें क्या बताता है कि ये recently discover हुए हैं और इससे हमारा water wastage बहुत ही कम होता है. Okay. अभी नाउ कमिंग टू फर्स्ट ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ इरिगेशन दीज डेज इज ड्रिप मेथड। दे ले ए पाइप इन अ रो नियर द क्रॉप और द प्लांट्स। दीज प्लास्टिक पाइप्स हैव होल इन देम, वाटर सीप्स थ्रू दीज होल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, हेंस द नेम ड्रिप इरिगेशन। दिस इज एन एक्सटेंसिवली इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन एज इट रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो खेत रहेगा उसमें हम पाइप को फ्लो कराते हैं एंड देन वी हैव स्मॉल होल्स इन दैट पाइप। तो हम जब पानी को हम कैसे टैप ऑन कर देते हैं तो हमारे नल से पानी आता है, ऐसे ही हम पूरे जैसे हमारे घर में पूरे टैप वाटर पाइपलाइंस रहता है, ऐसे ही हम खेतों में वाटर पाइपलाइंस को बिछा देते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। इससे क्या होता है, हमारा जो वाटर वेस्टेज है वो बहुत ही कम होता है और इवनली पूरे ग्राउंड में पानी चला जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर इफ यू विल सी यू विल, दिस इज अ फोटो ऑफ ए स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर में भी क्या होता है, एक पाइप होता है और उसमें एक छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं, ठीक है, इससे बहुत प्रेशर में पानी आता है एंड ये जो है ये जैसे रेन होता है बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट या वैसा ही इरिगेशन आता है। ये नीचे से ना जाके ये ऊपर से पानी को स्प्रिंकल करता है। ओके, सो दीज सिस्टम मिमिक्स द फिनोमिना ऑफ रेन। मिमिक्स मतलब नकल उतारना। ये जो सिस्टम है ये रेन के फिनोमिना जैसा ही होता है। वाटर कैरीड बाई पाइप टू सेंट्रल लोकेशन ऑफ द फार्म। एक सेंट्रल लोकेशन में पाइप को हम बिछा देते हैं। स्प्रिंकलर प्लेस देयर
The sprinkler placed here distribute water across the field. This is most efficient method to irrigate the uneven land. Sprinkler system also provides best coverage regarding the size of the farm. Suppose हमारा farm बहुत बड़ा है तो उसमें क्या होगा, हम पूरे खेत में पाइप बिछाना बहुत टफ हो जाएगा. तो ये एक बहुत इजी मेथड होता है, आप फार्म के बीच में एक पाइपलाइन बिछा दीजिए और पूरे खेत में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और इससे एक और भी एडवांटेज होता है कि सपोज हमारा खेत सम्मिलित नहीं है, समान नहीं है, ऊपर नीचे है, या हमारा आधा खेत ऊपर है आधा खेत नीचे है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम पाइप नीचे बिछा देंगे और स्प्रिंकलर्स इतनी स्पीड से पानी फेंकता है कि वो ऊपर वाले खेत में भी अच्छे से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. सो स्टूडेंट्स, वी आर क्लोजिंग दिस क्लास हेयर. सो वॉट वी हैव लर्नड, अ क्विक समरी, वी हैव लर्नड वॉट इज मैन्यूअर, वॉट इज फर्टिलाइजर्स, crop rotation, what is irrigation, traditional method of irrigation, modern method of irrigation. Okay, thank you students. In the next class we will start with protection from weeds. Thank you.